पॉकेट यार, मैंने कल बॉल घुमा दी, मिल ही नहीं रही है। ओ हेलो, मेरी बात को ज्यादा इग्नोर मत कर। अगर तुझे पता है ना बॉल कहाँ है तो जाके ढूंढ के आ। ए पॉकेट, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया तू, फिर भी भागी जा रहा है। अरे कहाँ ले जा रहा है मुझे, अरे कहाँ ले जा रहा है पॉकेट? पॉकेट तू मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया है? बॉल? पॉकेट तूने हमारी खोई हुई बॉल ढूंढ निकाली। तू कितना इंटेलिजेंट हो गया है पॉकेट। तू ना डिटेक्टिव पॉकेट है, डिटेक्टिव पॉकेट। आ गया इसको घुमा के? हाँ मम्मी। आ जाओ। हाँ? ये कैसी आवाज है? बेटा पढ़ाई करो। पॉकेट मैं तो खेल के बहुत थक गया, चल घर चलते हैं। तुझे घर जाना है कि नहीं जाना? देख मैं जा रहा हूं, आना है तो आ जा। बाय। हेलो उषा। हेलो सीमा, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है सीमा, तुमने काफी दिनों से मुझे फोन नहीं किया। क्या बताऊँ उषा, मेरी बाई ना कुछ दिनों के लिए गांव गई हुई है तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम्हारी नजर में कोई बाई हो तो बताना। हाँ मेरी नजर में एक बाई है, कल सुबह उसे तुम्हारे घर भेजती हूँ। ठीक है उषा। बाय सीमा। बाय। हाँ बोलो। नमस्ते दीदी। मैं शक्कू, शकुंतला। उषा ताई ने भेजा मेरे को काम के लिए। हाँ आ जाओ। दीदी घर पे कितने कमरे? हॉल है, किचन है और दो बेडरूम है बस। और घर पे मेंबर कितने? मेंबर? अच्छा मेंबर्स। हाँ। मेरे पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं, घर पे मैं हूँ। ये लो मेरा बेटा आशु भी आ गया। और ये है हमारा पॉकेट।
हाँ नहीं नहीं कुत्तों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो ना हमारे गांव में गंगू है ना, उसको कुत्ता काटा था, 14 इंजेक्शन लेने पड़े थे। नहीं नहीं मैं नहीं काम करेगी। अरे आप टेंशन मत लो, हमारा पॉकेट बहुत शांत है, देखो ना कितनी शांति से बैठा है वो। ठीक है मैंने कहा 2000 लेगी, मैंने मैं 2 छुट्टी लेगी, और हाँ मेरे को आने को लेट होगा ना तो मैं व्हाट्सएप कर देगी। क्या व्हाट्सएप? और मेरे को छुट्टी लेना रहेगा ना तो मैं कॉल करेगी। क्या मम्मी कॉल बोल रहे हैं कॉल? अच्छा तो मैं कल से आती हूँ, लेकिन इसको मांग के रखने का। चलो चलती मैं, सी यू। शकु हाँ, ये बर्तन पड़े हैं ये मांझ लेना, हाँ। और ये चूल्हा भी साफ कर देना। हाँ दीदी वो पॉकेट? अरे तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करना, वो आशु के साथ दूसरे कमरे में है। हाँ ठीक हाँ, है तुम अपना काम हाँ। करो। भूख तो बहुत लगी है। पॉकेट आशु बाबा। हाँ दीदी। ये पॉकेट को आप इतना बढ़िया खाना खिलाते? दीदी इनको भी तो अच्छे खाने की जरूरत पड़ती है ना, और पॉकेट तो हमारी फैमिली का मेंबर है तो इसको तो अच्छा खाना खिलाएंगे ही। ठीक है खिलाओ खिलाओ। किस्मत तो देखो इस पॉकेट की, हमसे अच्छा अच्छा खाने को मिलता और यहाँ हम। शक्कू तेरे नसीब में तो ना झाड़ू कट का ही लिखा है, चल लग जा काम पे। रेशमा चरे घानी लाल काला धाग्यानी। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी मेरे पैंट्स का पाउच कहाँ है? वो दूसरे ड्रॉर में है। अच्छा मम्मी ठीक है, मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। बाय बेटा। बाय। पॉकेट तूने अभी खाना खाया है ना, थोड़ी देर बाद दूध मिलेगा ठीक है? शकू हाँ? ये पॉकेट का दूध है, थोड़ी देर बाद ना इसको पिला देना, वहाँ पे उसका बर्तन पड़ा है उसमें डाल देना, वो खुद पी लेगा। हाँ। दीदी हाँ? ये कुत्ते का अलग दूध रहता क्या? अरे नहीं ये वही है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मैं पिला देगी। ठीक है मैं आती हूँ। यहाँ पे हम लोग को चाय के लिए दूध नहीं मिलता, और तू पूरा गिलास पिएगा? नहीं ये पूरा गिलास मैं पिएगी। और वैसे भी मैडम को कौन सा पता चलने वाला है दूध तूने पिया है कि मैंने। शक्कू। हाँ आई दीदी। हाँ वहाँ की सफाई हो गई? हाँ हो गई। यहाँ की सफाई कर लेना, तब तक मैं नहा के आती हूँ। ठीक है।
जब से आई हूँ तब से जासूस कर रहा है मेरी। अरे भूख लगी है, खाने दे। दीदी आने से पहले खा लेती हूँ। ये वाली टी शर्ट पहन लेता हूँ। अरे पॉकेट कहाँ ले जा रहा है? पॉकेट, पॉकेट क्या हुआ? तू मुझे क्यों लेके आया यहाँ पे? दीदी। हाँ शकू। मुझे झाड़ू लगाना है। आशु बाबा। आशु बेटा। हाँ मम्मी। शकू को कमरे की सफाई करने दो, तुम दूसरे कमरे में जाके बैठो। ठीक है मम्मी। और शकू हाँ? तुम्हारे कहने पे हमने पॉकेट को बांध दिया है, तो तुम अपना काम आराम से कर सकती हो। ठीक है, चलो बेटा। इसमें क्या है? सोने की अंगूठी। एक काम करती हूँ, सोने के टापस बाद में ले जाती हूँ, पहले छोटी सी अंगूठी ले जाती हूँ। दीदी को थोड़ा ही पता चलने वाला है। क्या हुआ शकू? कुछ नहीं, मेरा काम हो गया है। मैं निकल रही है। क्या हुआ शकू, सब ठीक है ना? घर ले जाती। क्या हुआ शकू? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये पॉकेट ना मेरे को कुछ चुराने नहीं देगा। वेडनेसडे नहीं, फ्राइडे को वैक्सीनेशन है पॉकेट की। मैं भी भूल गया।
ऐसे कैसे? मुझे तो पक्का याद है मैंने कबड़ में ही रखा था। क्या हुआ मम्मी? बेटा पापा ने मुझे बर्थडे में जो सोने की चेन और अंगूठी दी थी ना, हाँ? वो मिल नहीं रही। मम्मी आपको आपका सामान नहीं मिल रहा? नहीं। मम्मी याद है पापा ने मुझे वो एक्सपेंसिव ईयरफोन दिए थे? हाँ? वो भी मुझे नहीं मिल रहे। मम्मी मेरे पैंट्स और मेरी टी-शर्ट भी नहीं मिल रही है मुझे। पता नहीं कहाँ चले गए। आपने कपड़े लॉन्ड्री पे तो नहीं दिए ना? नहीं बेटा, इन दिनों लॉन्ड्री में तो कोई कपड़े ही नहीं गए। फिर सामान कहाँ जा सकता है? ऐसे कैसे चीजें गायब हो गई है? दीदी 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 जल्दी आओ। क्या हुआ शक्कू? दीदी ये पॉकेट ने ना, देखो ना क्या किया है। झाड़ू लगाते मिला मुझे ये। झाड़ू लगाते कचरे में चला जाता तो। हे भगवान, शुक्र है शकू कि तूने ये सारी चीजें ढूंढ दी, नहीं तो हम तो परेशान हो गए थे कि ये सारी चीजें गई कहाँ। हाँ, वो पर्स मेरे मोबाइल के साथ भी खेल रहा था ना, मैंने बैग में डाल दिया। शकू तुम अपना काम करो। हाँ। पॉकेट चलो हमारे साथ। ये पॉकेट के कारण ना मेरे को चोरी भी नहीं करने मिल रही। अच्छा हुआ वो पहले वाला सामान मैं घर पे छोड़ आई, और इनकी बात सुनकर आज मैंने ये सारा सामान यहाँ पे रख दिया, नहीं तो आज तो मेरा भांडा ही फूट जाने वाला था। और वैसे भी अब तो महीने का आखिरी दिन भी आने वाला है, अपनी पगार लेती हूँ और बड़ा सा लंबा हाथ मारती हूँ, और हाँ यहाँ से कल्टी भी मारती हूँ। शकू हाँ? ये लो तुम्हारी पगार। मुझे ना बैंक का थोड़ा काम है, मैं होके आती हूँ। ठीक है दीदी, तब तक तुम काम निपटा लेना। पहले अलमारी से दीदी का सोने का बड़ा वाला हार लेती हूँ, बाद में छोटी छोटी चीजें जमा करती हूँ, फिर यहाँ से कल्टी। पापा का ना बर्थडे आ रहा है, पापा के लिए ना एक अच्छा सा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आशु बाबा। हाँ दीदी। लैंडलाइन पे फोन आया था, कुरियर वाला आपको नीचे बुला रहा है। ठीक है दीदी। ये पॉकेट कहाँ चला गया? आशु बेटा। हाँ मम्मी। शकू चली गई? हाँ मम्मी वो तो चले गए, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे नीचे कुरियर वाला बुला रहा है। हाँ। मैंने नीचे जाकर देखा तो कुरियर वाला था ही अरे? नहीं, और ना पॉकेट भी इतनी देर से नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। मम्मी मैं ना पापा के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए बहुत देर से वीडियो ऑन रखी हुई थी, तब से चल रही है ये। मम्मी मैं ना पापा के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बेटा मैं भी तैयार होके आती हूँ, मैं भी मैसेज रिकॉर्ड करूँ। ठीक है मम्मी। पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड हो गया होगा इसमें। मम्मी मम्मी जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? मम्मी ये देखो। भारी रे पॉकेट। चल पॉकेट तेरे को बेचने का टाइम आ गया है। मम्मी शक्कु दीदी ने ना पॉकेट को बेहोश करके चुरा लिया है और वो उसे बेचने ले जा रही है। मम्मी जल्दी करो, मैं पॉकेट को बचाना होगा। चलो बेटा। ये पॉकेट कितना भारी है रे। ये मंगिया, अरे तू पहुंचा क्यों नहीं रे? हाँ
ये कुत्ते को ना कभी भी होश आ सकता है। और हाँ, मैंने ना वो मालकिन के ना जेवरात भी चुरा लिए। तू जल्दी आ जा, किधर है तू? देख मैं आ गया। दीदी, दीदी मुझको माफ कर दो ना दीदी। माफी नहीं, तेरा फैसला तो अब पुलिस ही करेगी। नहीं नहीं, पुलिस को कुछ मत बताना, नहीं तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे घर पे बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। मेरा मर्द दारू पी के मुझे बहुत मारता है दीदी, इसलिए मेरे भाई ने बोला कि तू जहाँ पे काम करती है वहाँ पे चोरी कर ले, तो ही तू पैसा जुटा पाएगी। अब आप ही बताओ दीदी, हम गरीबों के पास और कौन सा चारा है? दीदी, जरूरी नहीं कि गरीबी मिटाने के लिए चोरी करनी पड़े। कितने सारे गरीब लोग हैं जो कि मेहनत करके पैसे कमाते हैं, और आपकी हिम्मत कैसे हुई पॉकेट को चुराने की? वो तो पॉकेट था जो कि हमको बार बार आपके चोरी करने का एहसास दिला रहा था, और हम ही थे जो कि आप पर विश्वास करके आपको पकड़ ही नहीं पाए। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। दीदी, आज तो हम आपको छोड़ भी दें, पर आगे से आप किसी और के घर में चोरी करोगी ना, तो वो तो आपको सीधा पुलिस के हवाले कर देंगे। और ऐसे क्या गारंटी है कि आगे से आप ऐसा कुछ नहीं करोगी? मैं अपने बच्चों की कसम खाती ना, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। कोई बात नहीं दीदी, पर आगे से ऐसा कुछ मत करना। ठीक है शकु, तू कल से काम पे आ जा, और वादा कर कि आइंदा से तू कभी चोरी नहीं करेगी। मैं कल से काम पे आ सकती है? हाँ। मैं सारी चीजें आपके लौटा देगी, और अपने बच्चों को ईमानदारी से पालेगी। चलो मम्मी। चलो बेटा। चलो पॉकेट। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा डिटेक्टिव पॉकेट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमें और कौन से नए टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें टू मोहा मीट।